क्योंकि शैतानी जो शक्तियां हैं, शैतानी जो आत्मा है, जो प्राचीन काल से ही काम कर रही है, ये प्राचीन काल से ही परमेश्वर का विरोध करवा रही है लोगों से, और लोग विरोध कर रहे हैं। और ये बाल के जितने उपासक थे वो इसी फैशन को फॉलो करते थे जो आज के समय में जिसको गोथिक फैशन कहा जाता है, जिसको गोथिक फैशन कहा जाता है। उसके बाद साथ में प्रभु ने एक बात और क्या बोली थी, अपने शरीर पर कोई छाप ना लगाना। प्रभु ने ये बात और बोली थी, अपने शरीर पर कोई छाप ना लगाना। प्रभु ने ऐसा क्यों मना किया था, क्योंकि जो जितने बाल के पुजारी थे, जो बाल के पुजारी थे वो सब अपने शरीर पर छाप लगाते थे, अपने शरीर पर टैटूस को बनवाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को मना किया, अपने शरीर पर छाप मत लगवाना, इस चीज के लिए सख्त परमेश्वर ने हिदायत दी थी, ऐसा मत करवाना। और साथ में एक और कारण था जिसके लिए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इसराइलियों को मना किया कि तुम इस फैशन को मत फॉलो करना, मत अप्लाई करना। क्योंकि जब टैटू शरीर पर जो बनाया जाता है, टैटू बनाया जाता है, टैटूज की जो शाही यूज होती है उससे एक भयानक बीमारी होती है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के कई सारे स्टेजेस होते हैं जो उस टैटू बनवाने की शाही से शरीर पर होते हैं, और लोग उस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और कुछ रिपोर्टों में तो यह भी सामने आया है कि इस टैटू बनवाने की शाही की वजह से लोगों को एड्स तक हुए, लोगों को एड्स तक हुए। परमेश्वर नहीं चाहते थे इसराइलियों को ये बीमारियां लगे, या इसराइल इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हों, इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना कर दिया था, शुरुआत में ही मना कर दिया था। क्योंकि जो सैटनिक जितने सिंबल्स हैं, सैटनिक जितनी चीजें हैं, परमेश्वर ने उसके लिए शुरुआत से इनको हिदायत दी थी कि तुम ये काम मत करो, शुरुआत में ही परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम ये काम मत करना। और गोथिक फैशन में आज जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये पूरी तौर से एक सैटनिक फैशन है, एक शैतान का फैशन है। और इसके अंदर सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सारे पूरे बॉडी पे, चेहरे तक पे टैटू बनवा रहे हैं, अपने फेस पे टैटू बनवा लिए लोगों ने, बॉडी के पूरे पार्ट पे टैटू बनवा लिए। गोथिक फैशन में परमेश्वर ने मना किया कि अपने शरीर पर छाप मत लेना, लेकिन आज इस गोथिक फैशन की वजह से पूरी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हैं, पूरी बॉडी पे, शरीर का कोई पार्ट नहीं छोड़ा लोगों ने। आज कई महिलाएं जो है, आज कई महिलाएं टैटू बनवाती है अपने यहां पर, यहां पर टैटू बनवाती है, और जानबूझ के ड्रेसेस को और ज्यादा छोटा छोटा पहनती है ताकि वो मेरा टैटू दिखाई दे। कुछ महिलाएं कमर पे, कुछ बैक साइड में, कुछ पीछे नेक पे, कुछ हाथ पे टैटूज बनवाते हैं ताकि लोगों को दिखाए, देखो। और परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि शैतान को पूजने वाले शैतानवाद लोग, जो लोग थे, जो बालवाद के लोग थे, वो सारे इसी प्रोसेस को फॉलो किया करते थे। और जो आज पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे यही फैशन चल रहा है, और पूरी तरीके से लोग प्रभावित है इसकी वजह से, पूरी तरीके से प्रभावित है। और परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी। और कितने ऐसे मसीह हैं जो अपने शरीर पर यही टैटू गुदवा के गुदगुदाए घूम रहे हैं, अपने शरीर पर गुदवा के गुदगुदाए घूम रहे हैं, कह रहे मैंने लिखवाया जीसस, आई लव यू जीसस, मैंने क्रॉस बनवाया है, शरीर पर गुदगुदाए घूम रहे हैं। उनको नहीं पता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने सख्त उनको हिदायत दी थी कि तुम इन कामों को मत करना। परमेश्वर ने शुरुआत में ही इस फैशन के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जब कनान देश में परमेश्वर ने इनको जाने के लिए कहा था, मैं कनान देश लेके जाऊंगा, तो कनान देश पूरा भरा हुआ था बालवाद से, बालवाद से भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने सख्त इनको हिदायत दी थी कि तुम वहां जाके उनके जैसे मत हो जाना। आज वैसे मसीहों को प्रभु चेतावनी देता है कि तुम संसार में रहते हुए संसार के सदृश मत बनना। ये क्लियर प्रभु ने कहा है, संसार में रहते हुए संसार के सदृश मत बनना, क्योंकि संसार में इस प्रकार का फैशन जो है वो लोगों ने बड़ी इजीली अपने लाइफस्टाइल में उसको ले लिया है, लाइफस्टाइल में यूज कर रहे हैं वो लोग। और इसी काम को परमेश्वर ने करने के लिए सख्त मना किया था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, सख्त हिदायत दी थी परमेश्वर ने। और साथ में जो है, परमेश्वर ने जब इस चीज के लिए मना किया था, उसका मुख्य जो कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि बाल के जितने उपासक थे, आराधना करने वाले थे, क्योंकि उसमें जो चीज है, जो नियम है, जो कानून हुआ करते थे, उसमें इस प्रकार से इंसान को वेशभूषा अपनी रखनी पड़ती थी शैतानी शक्तियों को बुलाने के लिए, पूजने के लिए, उस प्रकार का इनका सबका पूजा करने वाले लोगों का हुलिया होता था, जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना।